हैदराबाद के सामने होंगे धोनी और गायकवाड़, हेड और क्लासन से कैसे बचेंगे चेन्नई की गेंदबाज। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 46, अब तक 45 मुकाबले कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेऑफ बिल्कुल साफ तौर पर नजर आने लगा है, लेकिन सिर्फ एक सीट के लिए, बाकी कई सारी सीटों पर कड़ी टक्कर होने वाली है। आज प्लेऑफ के लिहाज से बहुत जरूरी मुकाबला ये होने वाला है। आज शाम 7:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा, जबकि इससे पहले एक मुकाबला 3:30 बजे भी शुरू होगा, लेकिन हम बनाएंगे 7:30 बजे के लिए फैंटेसी टीम। ये मुकाबला होगा सनराइजर हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग। मैदान की बात करें तो चेपॉक हो गए यानी धोनी का किला। पिछला मुकाबला चेन्नई अपने घर पर लखनऊ से हारी थी, जो एक थोड़ी सी चिंता वाली बात चेन्नई के लिए जरूर है, लेकिन अब क्या यहां पर हैदराबाद के बल्लेबाज उसी तरह का खेल दिखा पाएंगे जैसा लखनऊ ने दिखाया, क्योंकि हैदराबाद को उनके घर पर आरसीबी ने हराया है। टॉस यहां पर बहुत अहम फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि टॉस जीतकर चेन्नई बल्ले बल्लेबाजी करे या फिर दूसरी बल्लेबाजी करे, देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए बात करते हैं इस मुकाबले की, फैंटेसी टीम की हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट क्या होगा, सब कुछ आपको बताऊंगा, बस वीडियो को देखिए आखिर तक। अगर बात करें दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो अब तक दोनों टीमों के बीच 20 मुकाबले खेले गए हैं। 20 मुकाबलों में सीएसके ने 14 मुकाबले जीते हैं, जबकि हैदराबाद की टीम ने सिर्फ 6 मुकाबले जीते हैं। इस सीजन से पहले तो ये सिर्फ 5 था, क्योंकि इस सीजन में एक मुकाबला सनराइजर हैदराबाद ने सीएसके को हैदराबाद में ही हराया था। तो ये हो गए हेड टू हेड रिकॉर्ड। अगर बात करें पिच रिपोर्ट कैसी है, अगर बात की जाए एम चिदंबरम की पिच की बात करें, तो यहां पर स्पिन गेंदबाजों को खूब मदद मिलती है। तेज गेंदबाज भी नई गेंद के साथ विकेट निकालने में सफल रहते हैं। इस मैदान में बैटिंग करना उतना आसान नहीं रहता है, गेंद रुक कर आती है, जिससे शॉट खेलना मुश्किल होता है। लेकिन पिछले मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन जवाब में लखनऊ ने उसे चेस कर लिया था। पिच रिपोर्ट के बाद ये जानना जरूरी हो जाता है दोनों टीमों के हालात कैसे हैं, यानी पॉइंट्स टेबल पर उनकी स्थिति कैसी है। तो पहले बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई की टीम अब तक 8 मैच खेलकर उसमें से 4 मैच जीती है और 4 में उसे हार मिली है। टीम के पास 8 अंक है और पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त टीम 5वें स्थान पर काबिज है। वहीं एसआरएच की बात करें तो एसआरएच ने 8 मैच में से 5 जीते हैं और 3 में हार मिली है। हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर है, यानी एक टीम के पास 10 पॉइंट, दूसरी टीम के पास 8 पॉइंट। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चेन्नई पिछला मुकाबला जीता जिताया हारी थी, क्या प्लेइंग 11 में बदलाव करेगी, या फिर हैदराबाद की टीम जो पिछला मुकाबला हार के आ रही, क्या वो अपने प्लेइंग 11 में बदलाव करेगी, देखना दिलचस्प होगा। चलिए जान लेते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। तो पहले बात कर लेते हैं चेन्नई की। चेन्नई में होंगे ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, डेनियल मिचेल, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान और साथ में मथीसा पथिराना। और इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो महेश तीक्ष्णा को मौका मिल सकता है। वहीं अगर बात करें एसआरएच की, तो यहां पर होंगे ट्रेविसेट, अभिषेक शर्मा, एडम माकम, हेनरी क्लासेन, नितेश रेड्डी, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव नाथकट और टी नटराजन। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यहां पर मयंक मारकंडे खेलते हुए नजर आएंगे। प्लेइंग 11 तो आपने देख ली, लेकिन इनमें कौन कौन खिलाड़ी का बल्ला चल रहा है और कौन से गेंदबाज विकेट तोड़ रहे हैं, ये जानना जरूरी हो जाता है। चलिए बात करते हैं दोनों टीमों के टॉप परफॉर्मर की, यानी सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं। पहले हैदराबाद की जान लेते हैं। तो हैदराबाद की तरफ से हैं ट्रेविस सेट, जिन्होंने बनाए हैं 325 रन, जो टॉप पर हैं। नंबर दूसरे पे हैं अभिषेक शर्मा, जिन्होंने बनाए हैं 288 रन। अगर गेंदबाजी की बात करें, टी नटराजन ने 12 विकेट चटकाए हैं, जबकि पैट कमिंस के खाते में 10 विकेट हैं। अगर बात करें चेन्नई की, तो ऋतुराज ने बनाए हैं 349 रन, जो सबसे ज्यादा है। नंबर दूसरे पे हैं शिवम दुबे, जिन्होंने बनाए हैं 311 रन। अगर गेंदबाजी की बात करें, तो मुस्तफिजुर को 12 विकेट मिले हैं, जबकि पथिराना ने 11 विकेट चटकाए हैं। तो अब तक आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड पता चल चुके हैं, पिच रिपोर्ट पता चल चुकी, टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं वो पता चल चुके। तो चलिए बनाते हैं अपनी टीम, यानी हमारी फैंटेसी टीम, जो हमें जिता सकती है ढेर सारा इनाम। तो पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग ऑप्शन की। माइक को रखना है नहीं रखना सवाल है, मत रखिए, पॉइंट बहुत कम मिलेंगे, इसलिए अच्छा है हेनरी क्लासन को रखिए। विकेट बल्लेबाजी की बात करें, तो बल्लेबाजी में ट्रेविस सेट, शिवम दुबे, गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा। अगर बात करें ऑलराउंडर की, तो आप रखिए जडेजा को, मार्करम को, मोइन अली और नीतीश रेड्डी। गेंदबाजी की बात करें, तो मयंक मारकंडे, पथिराना और महेश तीक्ष्णा। तो टीम आपको पता चल चुकी है। चलिए बात करते हैं कप्तान वाइस कैप्टन की। पहली टीम के कप्तान है अभिषेक शर्मा, जबकि वाइस कैप्टन है शिवम दुबे। दूसरी टीम के कप्तान है ट्रेविस सेट, जबकि उप कप्तान है मेरे रविंद्र जडेजा। तो फिलहाल आपको सब कुछ पता चल चुका है, कैसी लगी मेरी टीम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपकी कोई सलाह है तो उसे जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि अगली बार उस पर भी काम किया जा सके। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको इससे फायदा हो रहा हो, तो पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।